बद्रीनाथ धाम में उपभोक्ता निवारण मंच ने एक शिविर लगाया जिसमें बिजली बिलों से संबंधित समस्याओं का निराकरण किया गया। दरअसल बिजली विभाग यहाँ लोगों को अनावश्यक बिल थमा रहा था। कोरोना काल के बिल भी वर्तमान समय में दिए जा रहे हैं जिससे लोगों पर आर्थिक भार पड़ रहा था। आपको बता दें कि कई वर्षों से बद्रीनाथ धाम में बिजली के बिलों में काफी गड़बड़ी की शिकायत उपभोक्ता निवारण मंच को मिल रही थी, जिसके बाद इस संबंधित समस्याओं को निराकरण के लिए एक शिविर लगाया जिसमें इन सभी की समस्याओं को सुना गया और उन्हें हल करने का प्रयास किया गया। यहाँ पे ये शिविर हमारी अपनी ओर से नहीं है, ये यहाँ पे जो पंडा समाज है श्री बद्रीनाथ धाम के पंडा समाज की तरफ से उन्होंने एक कार्यक्रम आयोजित किया है जिसमें उन्होंने मुख्य वक्ता के तौर पे मुझे यहाँ पे आमंत्रित किया था। और जब मैं यहाँ पे आया तो मैंने साथ ही साथ अपने जो इधर डिवीजन के जो ऑफिसर्स थे सभी को यहाँ पे आने के लिए कहा, क्योंकि जब जाहिर सी बात है कि अगर बिजली विभाग से जुड़ी हुई समस्याएं हैं और लोग कुछ बातें कहेंगे तो उसमें अधिकारियों का भी होना जरूरी है कि किन कारणों से ये सवाल जवाब पे यहाँ पे कार्यक्रम रखा गया था। तो यहाँ तो जो हमने शिकायत की यहाँ पे ये बोला, हमने ये बोला कि ऐसा है कि जैसे कॉमर्शियल में या डोमेस्टिक में जो भी बिल आते हैं, ये अभी दो साल से कोविड काल से इन्होंने बिल ही नहीं दिए, तो आज इतना अमाउंट हो गया कि लोग कैसे दे पाएंगे। और जबकि हमने इनको ये कहा था कि आप कॉमर्शियल में जो है हर महीने महीने यहाँ पे बिल दो, क्योंकि यहाँ पे छः महीने बंद और छः महीने खुला रहता है, तो आप जो है हर महीने देंगे तो लोगों को सुविधा होगी। जबकि ये अभी तक भी इन्होंने दो साल से बिल दिए ही नहीं है 10 किलोवाट से ऊपर वाले।